गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज जो बेसिकली हम लोग बात करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से पूरा का पूरा ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है। अब आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि ट्रांसलेशन होता क्या है। ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आरएनए से एक प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, या एक पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज करते हैं। तो जब ऐसा कोई प्रोसेस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल और विच इज़ सिंथेसाइजिंग प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम आरएनए, सो दैट पर्टिकुलर मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। और इस प्रोसेस के अंदर आपको जितने भी तरह के मैंने आरएनए बताए हैं, वो तीन तरह के जो बताए हैं, वो तीनों तरह के आरएनए इसमें इन्वॉल्व होंगे। अब ट्रांसलेशन जो होता है वो स्टार्ट होने से पहले इसमें एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए होता है। अब सवाल ये है कि ये चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए होता क्या है। इसमें क्या होता है कि जो एमिनो एसिड होता है, तो एक एमिनो एसिड को एक ट्रांसफर आरएनए के साथ जोड़ा जाता है, जिससे कि ट्रांसफर आरएनए उसको कैरी करके मैसेंजर आरएनए के पास ले जा सके, ताकि एक प्रोटीन या एक पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज हो सके। मैं फिर से आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ। चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए कहने का मतलब है कि जो हमारा एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड है, उसको एक पर्टिकुलर ट्रांसफर आरएनए के साथ जोड़ना, सो दैट द ट्रांसफर आरएनए कैन कैरी द एमिनो एसिड टू द मैसेंजर आरएनए, वेयर दे कैन बी अटैच विथ वन अनदर टू फॉर्म ए पर्टिकुलर प्रोटीन। ये चीज जो होता है, इसे हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए, जिसके लिए दो स्टेप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है, उसमें क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड ATP, जो कि एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, जो हमारा एमिनो एसिड होता है वो एक आपका ATP के प्रेजेंस में, और मैग्नीशियम एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है, एक इंजाइम होता है इसको जोड़ने के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड एज एमाइनो एकाइल सिंथेटेज। तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, ये आपस में ATP जो है ये टूटता है और ये एनर्जी रिलीज करता है, और ये एमिनो एसिड को, दो टूटे AMP बन गया एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये ट्राईफॉस्फेट, दो फॉस्फेट इसके टूट गए, उससे जो एनर्जी रिलीज हुआ वो जुड़ गए और आपका ये इंजाइम अटैच हो गया, तो आपका ये एक कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ जिसे हम कहते हैं एमाइनो एसिड एडिनिलेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें से दो आपके फॉस्फेट रिलीज आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो एमिनो एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ATP व्हेन कम्स विद द एमाइनो एकाइल सिंथेटेज इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, इट फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज एमाइनो एसिड एडिनिलेट कॉम्प्लेक्स, जिसमें एमाइनो एसिड एक एडिनो मोनोफॉस्फेट और एंजाइम के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना, इसके साथ दो फॉस्फेट आपके रिलीज हुए, क्योंकि यहाँ ट्राई फॉस्फेट था, ये मोनोफॉस्फेट, इसका मतलब कि दो फॉस्फेट आपके यहाँ रिलीज आउट हुए। अब जो ये एमाइनो एसिड एडिनिलेट कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, ये जो है ये
क्या करता है, इसके साथ एमिनो एसिड, सेकेंड स्टेप पे आ रहे हैं, एमिनो एसिड एडिनिलेट कॉम्प्लेक्स, इसके साथ एक ट्रांसफर आरएनए जो है दैट विल बी अटैच्ड एंड इट विल अटैच विद द हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप विच इज प्रेजेंट ओवर द ट्रांसफर आरएनए। जो ट्रांसफर आरएनए का 3' एंड होता है वहाँ पर हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप होता है, उसी हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप के साथ आपका जो ये एमिनो एसिड होता है ये अटैच होता है। तो ये ट्रांसफर आरएनए के साथ एक एमिनो एसिड जुड़ गया, और इसके अलावा जो ये एडनिन मोनोफॉस्फेट और एंजाइम्स थे दे विल बी सेपरेटेड आउट, ये अलग कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो ट्रांसफर आरएनए है इसके साथ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एमिनो एसिड जुड़ गया, हा या नहीं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्टिवेशन और चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एक्टिवेशन और चार्जिंग ऑफ एमिनो एसिड। फिर से मैं एक बार दोबारा आपको समझा दूं, चार्जिंग में क्या होता है, एक ट्रांसफर आरएनए के साथ हम एक एमिनो एसिड को अटैच करते हैं, और इसके लिए सबसे पहले एमिनो एसिड एक एटीपी के साथ एक एंजाइम एमाइनो एकाइल सिंथेटेज के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका नाम है एमिनो एसिड एडिनिलेट कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स के साथ जब ट्रांसफर आरएनए आता है जुड़ता है तो वो एमिनो एसिड से जुड़ जाता है, और ये एंजाइम और जो आपका एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है ये अलग कर दिए जाते हैं। तो ये जो ट्रांसफर आरएनए के साथ एमिनो एसिड जुड़ गया, सो दिस इज कॉल्ड एज चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए। इसे क्या कहेंगे हम, चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए। तो इस तरीके से चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए होता है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, अब जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है उसमें तीन स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, एक है इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन एंड थर्ड वन इज़ टर्मिनेशन। तो ये तीनों स्टेप एक के बाद एक होते हैं, और इस तरीके से जाकर पूरा जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द इनिशिएशन। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, इनिशिएशन की। अब इनिशिएशन में क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। इसमें इनिशिएशन जो होता है तो दैट अकर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन इनिशिएटिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो इनिशिएशन जो होता है वो किसकी मदद से होता है, विद द हेल्प ऑफ इनिशिएटिंग फैक्टर, इनिशिएटिंग फैक्टर्स। अब आपके पास दो तरह के सेल हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल है और दूसरा यूकैरियोटिक सेल्स है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें तीन इनिशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं, तीन इनिशिएटिंग फैक्टर होते हैं, जबकि यूकैरियोट के अंदर 9 इनिशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट के अंदर तीन इनिशिएटिंग फैक्टर होते हैं वो है इनिशिएटिंग फैक्टर 1, इनिशिएटिंग फैक्टर 2 एंड इनिशिएटिंग फैक्टर 3। जबकि जो आपके यूकैरियोट्स हैं तो यूकैरियोट में ई आ गया पहले, यूकैरियोटिक इनिशिएटिंग फैक्टर 1, यूकैरियोटिक इनिशिएटिंग फैक्टर 2, यूकैरियोटिक इनिशिएटिंग फैक्टर 3, यूकैरियोटिक इनिशिएटिंग फैक्टर 4a, यूनिक 4b, 4c, 4d, इनिशिएटिंग फैक्टर 5 एंड इनिशिएटिंग फैक्टर 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 9 इनिशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं जो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट में केवल 3 इनिशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं। सो दिस इज़ ए बेसिक डिफरेंस इन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। और जो ये इनिशिएटिंग फैक्टर्स हैं दे विल बी हेल्पिंग इन द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन। अब होता क्या है,
आप इस चीज को पहले समझिए, जो मैसेंजर आरएनए है आपका, मान लीजिए ये मैसेंजर आरएनए है, तो इसका ये 5' एंड है, और मैंने आपको इससे पीछे वाले जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ाया है, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में मैंने पढ़ाया था कि जो 5' एंड होता है उस पर कैपिंग होती है, और ये कैपिंग रीजन जो होता है मैसेंजर आरएनए का, दिस विल अट्रैक्ट द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये क्या हो गया, दिस इज स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और जो ये स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है ये अटैच होगा, और अटैच जहाँ होता है वो बेसिकली एक इनिशिएटिंग कोडोन होता है, तो ये जहाँ अटैच होगा, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कैपिंग इसलिए होता है ताकि वो इनिशिएटिंग फैक्टर को, इनिशिएटिंग कोडोन को डेवलप कर सके, और यहाँ पर इनिशिएटिंग कोडोन जो डेवलप हो रहा है, ठीक है, वो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जहाँ अटैच हुआ है कैपिंग रीजन में, वो इनिशिएटिंग कोडोन को कंटेन किए हुए होता है, ठीक है। तो इसमें चाहे वो यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट, दोनों में ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे मान लीजिए यदि आपका, यहाँ पे मैं प्रोकैरियोट की बात कर रहा हूँ और यहाँ मैं यूकैरियोट की बात कर रहा हूँ, तो प्रोकैरियोट में आपको मालूम है कि जो मैसेंजर आरएनए होता है उसके साथ जो स्मॉलर सब यूनिट होता है, तो जो स्मॉलर सब यूनिट होता है 40S होता है, ठीक है, और इसमें जो इनिशिएटिंग फैक्टर मदद कर रहा होगा वो 3 होता है। तो मैसेंजर आरएनए के साथ जो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है वो अटैच किया, और इस अटैचमेंट में कौन मदद किया, इनिशिएटिंग फैक्टर 3। अब ये बन गया आपका 30S मैसेंजर आरएनए, जबकि यूकैरियोट जो था, यूकैरियोट में जो मैसेंजर आरएनए था, अब वहाँ पे जो स्मॉलर यूनिट था है दैट इज़ 40S, तो 40S के साथ 40S मैसेंजर आरएनए से जुड़ेगा, और इसमें जो इनिशिएटिंग फैक्टर मदद करेगा वो इनिशिएटिंग फैक्टर 2 होगा, तो ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा 40S मैसेंजर आरएनए। ये क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, 40S मैसेंजर आरएनए, ये यूकैरियोट में हुआ और प्रोकैरियोट में 30S मैसेंजर आरएनए फॉर्म हुआ। अब क्या होता है, जो आपका इनिशिएटिंग कोडोन है, ये जो इनिशिएटिंग कोडोन है, दिस विल डेवलप इनटू पी साइट, दिस विल डेवलप इनटू पी साइट एंड इट विल अट्रैक्ट ए ट्रांसफर आरएनए, इट विल अट्रैक्ट ए ट्रांसफर आरएनए कंटेनिंग ए एमिनो एसिड, ठीक है, इट विल बी कंटेनिंग एन एमिनो एसिड, तो ये ट्रांसफर आरएनए जो है इट विल कम एंड ये जो ट्रांसफर आरएनए है इसके साथ अमीनो एसिड अटैच है, इसका मतलब ये चार्ज ट्रांसफर आरएनए है, सो द चार्ज ट्रांसफर आरएनए विल कैरी ए अमीनो एसिड विच इज़ उस कोडोन इज प्रेजेंट ओवर द मैसेंजर आरएनए, AUG जो होता है वो मैथियोनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये किस चीज़ को कंटेन करके लाएगा, मैथियोनिन को। अब जो आपका प्रोकैरियोट होता है उसमें जो मैथियोनिन आता है वो फॉर्मुलेटेड मैथियोनिन होता है, जबकि यूकैरियोट में जो होता है वो नॉन फॉर्मुलेटेड और नॉन फॉर्मुलेशन फॉर्मुलेटेड मैथियोनिन होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये ट्रांसफर आरएनए, ये जो कॉम्प्लेक्स है 30S मैसेंजर आरएनए इसके साथ एक ट्रांसफर आरएनए आया, और ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये जो मैथियोनिन कंटेन कर रहा है ये फॉर्मुलेटेड है, ये मैथियोनिन जो कंटेन कर रहा है वो फॉर्मुलेटेड है, और ये इसमें जो इनिशिएटिंग फैक्टर मदद कर रहा है वो IF2 होता है, ठीक है। अब ये क्या कॉम्प्लेक्स बना देगा, 30S मैसेंजर आरएनए टैचेस ट्रांसफर आरएनए विच इज़ कंटेनिंग फॉर्मुलेटेड मैथियोनिन, फॉर्मुलेटेड और नॉन फॉर्मुलेटेड, जबकि यहाँ पर 40S मैसेंजर आरएनए के साथ आपका एक ट्रांसफर आरएनए जुड़ेगा जो कि नॉन फॉर्मुलेटेड है, और इसमें जो इनिशिएटिंग फैक्टर मदद कर रहा होगा वो EIF3 है, तो ये
बन जाएगा 40S मैसेंजर RNA कंटेनिंग ट्रांसफर RNA विच इज हैविंग नॉन फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन। फॉर्मुलेटेड और नॉन फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन में फ़र्क क्या है? जो फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन होता है, ठीक है, तो उसका जो फॉर्मुलेटेड होता है तो दैट इज प्रोटेक्टेड, और जो उसका एमाइन ग्रुप होता है, जो एमिनो एसिड होता है उसका यदि आप बेसिक स्ट्रक्चर देखो तो एक साइड में एमाइन ग्रुप होता है, एक साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक साइड में हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप होता है। तो जो एमाइन ग्रुप होता है ये प्रोटेक्टेड होता है, कवर्ड होता है। यदि एमाइन ग्रुप कवर्ड है तो वो फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन कहलाएगा, और यदि ये कवर्ड नहीं है, ठीक है, तो वो आपका नॉन फॉर्मुलेटेड कहलाएगा। तो इससे क्या होता है कि कोई दूसरा हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप इसके साथ जुड़ नहीं सकता है। तो फॉर्मुलेशन इज प्रोटेक्टिव एज इट कवर्स द रिएक्टिव साइड ऑफ द एमाइन ग्रुप, ठीक है। तो यदि फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन है तो उसका एमाइन तो कवर्ड होगा, केवल आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्सपोज्ड होगा, जबकि जो नॉन फॉर्मुलेटेड होगा उसमें एमाइन ग्रुप भी एक्सपोज्ड होगा एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी एक्सपोज्ड होता है। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉर्मुलेटेड एंड नॉन फॉर्मुलेटेड एमिनो एसिड्स। अब एक बात यहाँ पर समझिए, जैसे ही ये ट्रांसफर RNA जुड़ता है यहाँ पर, तो इट विल बी अट्रैक्टिंग द लार्जर सब यूनिट, इट विल बी अट्रैक्टिंग द लार्जर सब यूनिट। ये क्या है? लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोमल RNA और राइबोसोम। तो यदि प्रोकैरियोट है, मान लीजिए तो प्रोकैरियोट है, तो उसमें 30S मैसेंजर RNA ट्रांसफर RNA कंटेनिंग फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन के साथ आपका बिगर सब यूनिट जुड़ा, और बिगर सब यूनिट जो होता है प्रोकैरियोट में वो 50S होता है। और इसमें जो इनिशिएटिंग फैक्टर वर्क करता है आपका, वो आपका IF1 है, ठीक है। अब ये 50S और 30S मिलकर 70S बनाएगा, जो कि प्रोकैरियोट के अंदर होता है, हैविंग मैसेंजर RNA एंड ट्रांसफर RNA कंटेनिंग फॉर्मेटेड मैथियोनिन, ठीक है, ये चीज़ होता है। लेकिन यही यदि यूकैरियोट होता तो वहाँ पर 40S मैसेंजर RNA के साथ जो ट्रांसफर RNA जुड़ा हुआ है मैथियोनिन कंटेनिंग नॉन फॉर्मुलेटेड, उसके साथ जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 60S होता है। और यहाँ पर जो इनिशिएटिंग फैक्टर वर्क कर रहा होता है वो EIF1, EIF4A ये सब वर्क कर रहे होते हैं। तो ये 60S 40S के साथ मिलकर 80S राइबोसोम को बनाएगा, इसके साथ मैसेंजर RNA एंड ए चार्ज ट्रांसफर RNA जो कि मैथियोनिन को कंटेन कर रहा है, ये प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? तो दिस इज हाउ द ट्रांसलेशन प्रोसेस, ट्रांसलेशन का जो इनिशिएशन प्रोसेस है वो वर्क करता है। सबसे पहले जो 5' एंड जिस पे कैपिंग होता है उस पे स्मॉलर सब यूनिट अटैच होता है, विच विल बी डेवलपिंग और हैविंग द इनिशिएटिंग कोडोन, और जो इनिशिएटिंग कोडोन होता है दैट विल बी आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, इट विल बी अट्रैक्टिंग द चार्ज्ड और एक्टिवेटेड ट्रांसफर RNA, और जब चार्ज ट्रांसफर RNA यहाँ पर अटैच हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद लार्ज सब यूनिट अटैच होता है। और जैसे ही लार्जर सब यूनिट अटैच होता है तो जो नेक्स्ट इसका कोडोन होगा, मान लीजिए CCG है, ठीक है, तो जो नेक्स्ट कोडोन होगा वो ए साइट में डेवलप हो जाएगा। ये पी साइट में था, ये ए साइट में डेवलप हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद इलोंगेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इनिशिएशन कैसे होता है ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी जो मूव करेंगे हम, वी विल मूव टूवर्ड द इलोंगेशन। नेक्स्ट जो स्टेप हम देखेंगे दैट इज इलोंगेशन। अब इलोंगेशन में क्या होता है, जैसे आपका
ये मैसेंजर आरएनए है, ये 5' है, यहाँ पर आपका ए यू जी कोडोन है, यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जुड़ा हुआ है, ये लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आके जुड़ गया, यहाँ पे एक ट्रांसफ़र आरएनए एक इम्यूनो एसिड को लिए हुए है, ये नेक्स्ट कोडोन जो है CCG, मैंने कहा था कि यहाँ पे लिख लो, तो ये पी साइट था, ये ए साइट में डेवलप हुआ, जैसे ही ये ए साइट में डेवलप होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये राइबोसोम इस तरफ शिफ्ट करेगा, द राइबोसोम विल मूव टूवर्ड द ए साइट और इन दैट वे इट विल बी अट्रैक्टिंग ए नेक्स्ट चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए व्हिच विल बी कंटेनिंग एमिनो एसिड व्हिच इज प्रेजेंट, उस कोडोन इज प्रेजेंट ओवर द ए साइट, ठीक है, एक चार्ज ट्रांसफर आरएनए को अट्रैक्ट करेगा जो कौन सा एमिनो एसिड को कंटेन करेगा, जो ए साइट पे आपका अवेलेबल है, ठीक है, और इसमें जो मैग्नीशियम आयन होता है दैट विल बी हेल्पिंग, ठीक है, और दैट विल बी हेल्पिंग इन टू द फॉर्मिंग द बॉन्ड। अब क्या होता है, जो आपका फर्स्ट का कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और सेकेंड एमिनो एसिड का जो एमाइन ग्रुप होता है, इन दोनों के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड कार्बोक्सिलिक और एमाइन ग्रुप के बीच में होता है, तो कार्बोक्सिलिक और एमाइन ग्रुप के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ, जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा वैसे ही आपका इसके साथ जो अटैचमेंट है पहले वाले ट्रांसफर आरएनए के साथ, ये डिटैच हो जाएगा, मतलब ये आपका फर्स्ट जो एमिनो एसिड है सेकेंड के साथ अटैच हो गया और ट्रांसफर आरएनए फ्री हो गया। जैसे ही ये फ्री होता है, जो पी साइट होता है वो ई साइट में डेवलप हो जाता है, जो ए साइट है वो पी साइट में डेवलप हो जाता है, और जो नेक्स्ट कोडोन है, ठीक है, मान लीजिए ये GGA, तो नेक्स्ट कोडोन विल डेवलप इनटू ए साइट, ठीक है, फिर यही चीज़ होगा, जो ये राइबोसोम है वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, जैसे ही ए साइट पे आएगा इट विल बी अट्रैक्टिंग ए अनदर चार्ज ट्रांसफर आरएनए व्हिच विल बी कंटेनिंग एन एमिनो एसिड विज कोडोन इज प्रेजेंट ओवर द ए साइट, और इसका जो एमाइन ग्रुप है वो इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, ठीक है, जुड़ेगा, तो ये जुड़ा तो जैसे ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जुड़ेगा, ठीक है, ये यहाँ से इसका अटैचमेंट ट्रांसफर आरएनए के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो जैसे ट्रांसफर आरएनए ख़त्म हो गया मतलब दिस ट्रांसफर आरएनए इज रेडी टू एग्जिट फ्रॉम दिस प्लेस, सो द पी साइट विल डेवलप इनटू ई साइट, ए साइट विल डेवलप इनटू पी साइट, एंड द नेक्स्ट कोडोन मान लीजिए UUA, ठीक है, तो दिस विल बी डेवलप इनटू ए साइट, तो इस तरीके से, अब जैसे ये टूटा तो इस तरीके से चेन बन जाएगा 1, 2, 3 का, ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसफर आरएनए यहाँ से निकलते रहेंगे और एक के बाद एक ये जो कोडोन डेवलप है इस पे एमिनो एसिड का चेन बनता चला जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग कोडोन है, मान लीजिए यहाँ पे जो टर्मिनेटिंग कोडोन है वो UAG है, अब ये ए साइट में डेवलप हुआ, ऐसे जैसे जाएगा तो ये ए साइट में डेवलप होगा, तो राइबोसोम जो है वो यहाँ पे आएंगे, अब राइबोसोम जब यहाँ पे आएंगे तो ये एक ट्रांसफर आरएनए को अट्रैक्ट करेगा। अब आपको मालूम है कि यूएजी जो होता है उस पे जो ट्रांसफर आरएनए आएगा ये किसी भी एमिनो एसिड का इन्फॉर्मेशन नहीं रखता है, ये एक नॉनसेंस कोडोन है, तो इस पे जब कोई भी एमिनो एसिड का इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, ठीक है, तो जो आपका इसके पहले ट्रांसफर आरएनए है मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 ये अटैच किए हुए, तो ये 6 का जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो यहाँ पे एमाइन ग्रुप तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एमिनो एसिड है ही नहीं, तो इसके साथ अटैच नहीं हो पाएगा, और क्योंकि ये यहाँ पे अटैचमेंट करने की कोशिश करेगा इसमें ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा और जो पी साइट है आपका वो ई साइट में डेवलप हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ए साइट आपका पी साइट में डेवलप हो गया, तो जो ये एमिनो एसिड है ये रिलीज आउट हो जाएगा,
तो इस तरीके से ये जो एक नाउंसेंस कोडोन होता है दैट विल टर्मिनेट द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड और चेन ऑफ पेप्टाइड विच इज कंटेनिंग वन मोर देन वन एमिनो एसिड विथ इटसेल्फ। तो इस तरीके से ये जो एमिनो एसिड का जो चेन बना ये डिटैच हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड का चेन हमने ये वन टू ये अलग अलग एमिनो एसिड्स को शो कर रहा है, तो ये जो एमिनो एसिड का चेन बना इसे हम इस चेन को प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन कह सकते हैं या नहीं? पॉलीपेप्टाइड चेन। सो दिस वे द प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब एक छोटी सी बात देखिए, जब एक बार जैसे मान लीजिए मैसेंजर आरएनए है, राइबोसोम मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो ये साइड तो फ्री है, तो यहाँ पर कोई दूसरा एक दूसरा राइबोसोम भी अटैच हो सकता है, ये भी मान लीजिए सकते हुए यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, तो ये फ्री होगा तो कोई दूसरा और अटैच हो जाएगा। तो जब मोर देन वन राइबोसोम इज अटैच्ड टू द मैसेंजर आरएनए, इट इज कॉल्ड एज पॉलीसोम। उसे क्या कहते हैं? पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। ठीक है, तो इस तरीके से एक मैसेंजर आरएनए पे वही एमिनो एसिड बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं या नहीं? तो एक के बाद एक एमिनो एसिड ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू बनते रहेंगे और दिस विल बी लीडिंग टू वर्ड ट्रांसलेशनल एम्प्लीफिकेशन। जो एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मिंग लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज। ठीक है, एक ही तरह के प्रोटीन का खूब सारे कॉपीज फॉर्म करना। तो जब पॉलीराइबोसोम हर एक राइबोसोम उसी एमिनो एसिड को सिंथेसाइज कर रहा होगा तो लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ दैट प्रोटीन विल बी फॉर्म्ड और नॉट। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल एम्प्लीफिकेशन। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल एम्प्लीफिकेशन। सो दिस वे द ट्रांसलेशन प्रोसेस कैरीड आउट। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होता है वो कैरी आउट होता है। तो अब उम्मीद है कि अब आपको समझ में आने लगा होगा कि प्रोटीन जो होता है वो किस तरीके से सिंथेसाइज होता है। आया समझ में आपको? ठीक है, तो इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसाइज होता है और ये जो जब ये टर्मिनेटिंग कोडोन पे आया तो इसे हम टर्मिनेशन फेज भी कहते हैं इसे। ठीक है, जब वो राइबोसोम नॉनसेंस कोडोन पे आ गया, ठीक है, तो इट विल बी अट्रैक्टिंग ए चार्ज ट्रांसफर आरएनए विच विल बी कंटेनिंग नो एमिनो एसिड एंड ड्यू टू विच द डिटैचमेंट ऑफ द और रिलीज ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन अकर एंड ड्यू टू विच व्हाट विल हैपन द प्रोटीन सिंथेसिस विल टर्मिनेट एंड ए पॉलीपेप्टाइड चेन इज गेट सिंथेसाइज्ड। तो इस तरीके से जाकर एक प्रोटीन का चेन सिंथेसाइज होता है। तो यहाँ तक आपको अब समझ में आ रहा हो कैसे होता है ये और किस तरीके से सारा प्रोसेस रन आउट करता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो इसे एक बार गौर से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो तीन टॉपिक हैं आपके रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, एक बार समझ में आ जाएगा, काफ़ी ईजी है, फिर आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर दिस।